ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के निधन की खबरें पूरे सोशल मीडिया पर छाई हुई है। पूरी दुनिया भर के लोग उन्हें अपनी श्रद्धांजलि किसी न किसी माध्यम से अर्पित कर रहे हैं। इसी के साथ खास बात यह है कि एलिजाबेथ टू का उदयपुर से भी एक खास लगाव रहा है। 1961 में 30 जनवरी को एलिजाबेथ उदयपुर आई थी। तब वो 2 दिन तक सिटी पैलेस में ठहरी थी। उस दौरान उन्होंने महाराणा भगवत सिंह के साथ लेक पैलेस, जग मंदिर और शिव निवास का भ्रमण किया। महारानी एलिजाबेथ के उदयपुर आगमन की वजह उनके मेवाड़ राज परिवार से रिश्ते बेहतर और मजबूत करने के तौर पर देखा जाता है, क्योंकि जब 1911 में ब्रिटिश साम्राज्य के महाराज ने दिल्ली में दरबार लगाया था तो उसमें महाराणा फतेह सिंह नहीं गए थे। इसके बाद एलिजाबेथ खुद मेवाड़ आई और महाराणा से मुलाकात की और सिटी पैलेस में ही ठहरी। भारतीय संस्कृति को भी एलिजाबेथ ने काफ़ी पसंद किया था और शिव निवास में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में अपनी रुचि भी दिखाई थी। मेवाड़ी संगीत और नृत्य को देखकर एलिजाबेथ काफ़ी प्रभावित भी थी। मोटर बोट से एलिजाबेथ जग मंदिर और लेक पैलेस पहुंची थी। इसी विषय पर मेवाड़ के पूर्व राजघराने के सदस्य लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने शोक प्रकट किया और कहा कि एलिजाबेथ का ब्रिटेन में 70 साल का कार्यकाल बेमिसाल था। 30 जनवरी 1961 को वो उदयपुर आई थी, जिनकी जीवन शैली के बारे में लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ को उनके दादाजी और पिताजी ने बताया था कि वो बहुत डाउन टू अर्थ थी और उदार हृदयवादी थी। हिस्टोरियंस बताते हैं कि एलिजाबेथ मेवाड़ के गौरवशाली इतिहास और महाराणा की शान और शौकत से प्रभावित होकर मेवाड़ को निहारना चाहती थी। उन्होंने ये स्वीकार किया कि मेवाड़ भारत का सबसे समृद्ध और खूबसूरत क्षेत्र है।